हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और बहुत ज़्यादा डिमांडेड जो कोर्स है प्री आरएमओ का क्रैश कोर्स मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। आज से लेकर 4-5 अगस्त तक मैं ये पूरा कोर्स वाइंड अप करूँगा क्योंकि 11 अगस्त को प्री आरएमओ एग्जामिनेशन है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पहली बात। दूसरी बात, 2017 और 2018 में जो प्री आरएमओ एग्जामिनेशन हुए हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत जैन। जेई 2008 में 42 रैंक आई थी मेरी। INCHO गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, NTSC स्कॉलर हूँ। पिछले 5 सालों में 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मैं मेंटर कर चुका हूँ डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए। पिछले 2 साल में 2017 और 2018 में मेरे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्री आरएमओ क्वालिफाई कर चुके हैं और इसलिए मैं आपके लिए अब ये क्रैश कोर्स लेके आ गया हूँ अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा कस्टम URL है @PrashantJain, सो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस के लिए ड्यूली नोटिफाई हो सके। नाउ मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा हमारे प्लस कोर्स को डिफाइन करने के लिए। ये मेरी प्लस की प्रोफाइल है, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मनोज चौहान सर, विनीत खत्री सर, पारस ठाकुर सर। तो ये लोग अपना जो एक्सपीरियंस है IIT JEE का वो लेकर हमारा जो प्लस प्लेटफॉर्म है उस पर आ चुके हैं। इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को IIT तक पहुंचाया और ये आपको भी पहुंचा सकते हैं अगर आप इनसे पढ़ते हैं तो। आपको सिंपली क्या करना है, क्रैश कोर्स के लिए जो मतलब ये क्रैश कोर्स तो आप अटेंड कर ही रहे हैं अनअकैडमी एस्केप्स वेलोसिटी स्टूडियो पर, बट आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस प्लेटफॉर्म पर क्या मिलेगा आपको वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन है प्लस कोर्स का, 5,000 पर मंथ अगर एक महीना आप करते हैं तो, 4,167 पर मंथ अगर 3 मंथ का करते हैं तो। सबसे आइडियल एक साल की प्रिपरेशन आपके लिए रहेगी जिसमें 2,083 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, तो ये टोटल जो फी है वो 25,000 आएगी। अब ये देखो 25,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अगर आप मेरा यूनिक कोड यूज़ करते हो PJLIVE, अगर आप PJLIVE कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और ये जैसे ही आपने अप्लाई किया 22,500 मिल जाएगा। बेसिकली हमारा जो प्लस प्लेटफॉर्म है उस पर टेस्ट सीरीज है, ईयर लॉन्ग कोर्सेज हैं, वो सब चीज़ें हैं जो ऑफलाइन कोर्स में अवेलेबल होती हैं और यू एंड अप पेइंग मोर देन 1.5 lakh फॉर द कोर्स एंड द सर्विसेज विच यू आर गेटिंग ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। एंड प्लस प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यू गेट टू डिसाइड योर एडुकेटर। आप अपना एडुकेटर खुद चूज कर सकते हो फ्रॉम अ प्लेथोरा ऑफ एडुकेटर जो बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। चलिए आइए अब क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ प्री रिक्विजिट्स बता देता हूँ। देखो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, कितने दिन बचे हैं कुल मिला के, अब हमारे पास 20 दिन बचे हैं। 11 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है प्री आरएमओ का, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 11th August 2019। क्या क्या अभी तक आपको आना चाहिए ताकि आपकी फाइन ट्यूनिंग हो जाए। 9th, 10th मैथ्स, ये आपकी कवर्ड होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या कवर्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं देखो स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस तो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। आपका एलजेब्रा कवर होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री जो होती है वो कवर होनी चाहिए, सर्कल और ट्राइंगल वाली जो ज्योमेट्री होती है, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वगैरह ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता उस पर, बट उसके भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर सिस्टम, यही चीजें चाहिए मुझे आपसे। बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, उसके अलावा SOT, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो भी सब चीज़ें हैं ना जो यूटिलाइज होती हैं प्री आरएमओ के अंदर वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए एक प्री रिक्विजिट है। दूसरा एक प्री रिक्विजिट है, यू हैव टू बी सिंसियर। ये बहुत जनरल प्री रिक्विजिट है। एंड अटेंड ऑल लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एस्केप वेलोसिटी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस टेलीग्राम पर ही मैं हर लेक्चर के बाद 30 क्वेश्चंस की DPP डालने वाला हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 30 क्वेश्चंस की मैं डालने वाला हूँ विद आंसर की। और मैं उसके सॉल्यूशंस इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ वो सॉल्यूशंस आप मुझसे पूछो, ठीक है। तो वो सॉल्यूशंस आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं चाहता हूँ आप वो सब ट्राई करो। वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक तरह से मॉक क्वेश्चंस हैं, मॉक क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कहाँ पे बेटा, प्री आरएमओ 2019 के अंदर। मैंने कुछ उस हिसाब से क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। ये हो गया राइट। और लास्ट क्या है,
अटेम्प्ट ऑल माय प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। समझे क्या आप मेरी बात? मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने मेरी सारी की सारी डीपीपी सॉल्व कर ली, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज ये कीजिए, ये मेरे प्री रिक्विजिट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम्स रिलेटेड टू पॉलीनोमियल्स को ब्रशअप कर लेते हैं फटाफट से। हमारी पहली क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम एक डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले साल आया था 2018 के अंदर, 5 नंबर का क्वेश्चन था वो, पता है आपको 5 नंबर का क्वेश्चन था और रिलेटिवली बहुत आसान था अगर किसी को बेसिक्स ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम पता हो। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है बेटा, अगर आप एक पॉलीनोमियल है px उसको डिवाइड कर रहे हो किससे, dx, तो उसका एक क्वोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है। ठीक है, रिमाइंडर आता है और ये जो रिमाइंडर है या तो जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ dx। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं एक चीज आपको जोड़ देता हूं। अगर मान लो मैंने dx को ax माइनस b लिया, मतलब मैंने क्या ले लिया, एक लीनियर पॉलीनोमियल ले लिया। ये क्या लिया बेटा, मैंने एक लीनियर पॉलीनोमियल ले लिया। अब अगर लीनियर पॉलीनोमियल से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो देखो मैं इसको आपको करके दिखाता हूं, क्यू एक्स इंटू ए एक्स माइनस बी प्लस आर। अब देखो या तो रिमाइंडर जीरो होगा या फिर क्या होगा बेटा, ये आर एक्स की डिग्री डी एक्स से छोटी है। अब लीनियर पॉलीनोमियल से छोटी डिग्री का पॉलीनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, तो मैंने इसको कांस्टेंट रिमाइंडर मान लिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए एक्स माइनस बी को जीरो कर दूं, ये रिमाइंडर थ्योरम पे पहुंच रहा हूं बेटा मैं, वैसे आपको आनी चाहिए बट फिर भी मैं ब्रशअप करा रहा हूं, तो पी ऑफ बी बाय ए क्या हो जाएगा, आर। राइट, ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। ये कौन सी थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर थ्योरम, बहुत सिंपल है। इफ आर, ये जो आर अपन ने ऊपर निकाला है ना, अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या होता है बेटा, ए एक्स माइनस बी इज फैक्टर ऑफ is factor of किसका, px। ये basically बेटा used in factorization, किसमें use किया जाता है, factorization के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ important theorems है, मैं brush up करा दिया है आपको, ये please आप note down कर लीजिए। फैक्टर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम की इसेंशियली एप्लीकेशंस है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब देखो ये जो थ्योरम है ना, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ पैटर्न रिमाइंडर, ये एक पता बहुत फेमस प्रॉब्लम है। फेमस प्रॉब्लम किस चीज की, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम की बहुत अच्छी एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व एग्जांपल करूंगा आपके लिए, इफ पी वन इज इक्वल टू 4, पी टू इज इक्वल टू 5, फाइंड रिमाइंडर when px is divided by x minus 1
into x minus 2. अब देखो ये क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई करके दिया है आपको. बेसिकली क्या होता है, ये जो फैक्टराइजेशन होता है ना, ये आपको करना पड़ता है. मतलब ये इस तरह से दिया जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू. और क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि जहां पर आपको वैल्यू दी हुई है, वन पे और टू पे दी हुई है, उसी का फैक्टर कंपोनेंट दिया जाता है. ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए. एक सॉल्व एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए पी एक्स. देखो मैंने किससे डिवाइड किया है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टी से. अब मुझे पी एक्स की डिग्री मालूम नहीं है, नहीं पता ना मुझे, मुझे उससे मतलब भी नहीं है, राइट. बट मुझे क्या पता है कि मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं. किससे डिवाइड कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से. अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, मेरा डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है कि मेरी जो डिग्री होनी चाहिए वो लीनियर होनी चाहिए या लीनियर से कम, तो हम लीनियर मान लेते हैं. अब मुझे बताओ मुझसे क्या पूछा है, रिमाइंडर व्हेन पीएक्स इज डिवाइडेड बाय. तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट. तो मैं ए और बी की वैल्यू निकालना चाहता हूं. अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू वन पुट करनी है. एक्स की वैल्यू जैसे मैंने वन पुट की तो हर जगह पुट करूंगा, ये वन यहां पे करते जीरो आ जाएगी. देखो जीरो, राइट, ए प्लस बी. अब ए प्लस बी पी वन क्या दे रखा है, फोर. सिमिलरली एक्स की वैल्यू मैं टू पुट कर दूंगा बेटा, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आ गई. मैंने आपको बोला है नाइन्थ और टेंथ क्लास मेरे लिए प्री रिक्विजिट है, तो आपको आना चाहिए, ये पहले से सॉल्व करना, राइट. तो इसका मतलब मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वन, और बी की वैल्यू थ्री. इसका मतलब एक्स प्लस थ्री मेरा आंसर आ गया, एक्स प्लस थ्री मेरा आंसर आ गया, ये रिमाइंडर हो गया. ठीक है, अब देखो प्री आर एम ओ के अंदर क्या होता है, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट इंटीजर आंसर्स होते हैं. तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि अगर रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी है तो ए प्लस बी की वैल्यू बताओ. ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर. ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर. उसको जीरो फोर करके हमें आंसर मार्क करना होगा. मैं लिख रहा हूं आपके लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए. बहुत प्री रिक्विजिट क्वेश्चन है, और इसमें पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना बेटा, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मेरे लिए ये है बेटा, ये वाली, कि इसको हमने ऐसे कैसे लिखा है, ये लिखना पता है बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर उसके बाद देखो हमेशा क्या होता है ना, जहां पे ये जीरो हो रहा होता है ना वही फैक्टर्स दिए होते हैं, ये पैटर्न है. चलो भाई आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा आई होप. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, और मैं हिंट दूंगा आपको इसके अंदर. पहले मैं हिंट दूंगा, जो एक्चुअल क्वेश्चन ओलंपियाड में आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं. इफ पी वन इज इक्वल टू वन, पी टू इज इक्वल टू टू, पी थ्री इज इक्वल टू थ्री, P4 is equal to 5 for a cubic polynomial Px, right? हमें ये दे रखा है. Find value of P6. Competitive exam में आया हुआ question है, NTSC stage 2 में आ चुका है, IJSO में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, प्री आर एम ओ के अंदर भी बहुत इजीली आ सकता है. ठीक है, जेई के लिए भी इनफैक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये क्वेश्चन पैटर्न रिमाइंडर का है. देखो आपको तीन जगह पैटर्न दिख रहा है, सही है, सोचो थोड़ा सा कैसे करेंगे. दो मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको.
आई होप आप सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हो, क्योंकि बिना कॉपी पेन के ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ये हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। प्रीआरएमओ एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन के लिए 6 मिनट दिए होते हैं, तो आपको उसी हिसाब से मैनेज करना होगा। ठीक है भाई, अब देखो, पता है कोई भी बच्चा है ना जिसकी जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, वो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेगा, है ना। मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, एक सिंसियर स्टूडेंट का। सिंसियर स्टूडेंट क्या होता है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उसको सब चीजें ध्यान है। वो क्या करेगा कि सर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपने पी वन हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू वन, ये आपने हमें दे रखा है, ठीक है। अब मैं इस पॉलिनोमियल में वन वैल्यू डालूंगा, टू डालूंगा, थ्री डालूंगा, फोर डालूंगा। कितने वेरिएबल्स है मेरे, चार। चार वेरिएबल्स में चार इक्वेशंस बन जाएंगी। चार वेरिएबल्स, चार इक्वेशन, मतलब सॉल्व तो हो सकता है अगर प्रॉपर मेहनत की जाए तो। बट आपको लगता है कि मैं इतनी मेहनत आपसे करवाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग चलाना है। चलो, अब आपने सिंसियर बच्चे का मेथड देख लिया, अब टॉपर बच्चे का देखो। सिंसियर और टॉपर में डिफरेंस होता है ना। अब टॉपर बच्चे का मेथड देखो, वो क्या कह रहा है कि सर आपने मुझे पैटर्न दिया है वन टू थ्री, इसका मतलब x माइनस वन से डिवाइड होने पे वन दे रहा है, x माइनस टू से डिवाइड होने पे टू दे रहा है, x माइनस थ्री से डिवाइड होने पे थ्री दे रहा है। इनफैक्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स वैल्यू आ रही है एक्स पर, अगर एक्स वन टू थ्री है तो। अब देखो इस बच्चे ने क्या किया कि सर मैं पॉलिनोमियल्स को ऐसे अज्यूम कर लेता हूं। देखो एक दो तीन, तीन लीनियर फैक्टर मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया प्लस एक्स। अब आप देख लो, इस बच्चे ने मास्टर स्ट्रोक लगा के क्या कर दिया, तीन लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया इसको, और एक्स आपका रिमाइंडर छोड़ दिया। ये करके इसने तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करा दी, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई। अब क्या है, कुछ नहीं है। कितने वेरिएबल है आपके, एक एक वेरिएबल है। के क्यों मानना जरूरी है आपको यहां पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री के का जो x क्यूब का जो कोफिशियंट है वो क्या होगा, राइट। तो k आपको यहां पे डालना जरूरी है, ठीक है। अब देखो मेरे पास k निकालने के लिए ये इक्वेशन है, p4 इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू k टाइम्स थ्री टू थ्री टू वन प्लस फोर, राइट। इसका मतलब बेटा k की वैल्यू वन बाय सिक्स आ गई, k की वैल्यू वन बाय सिक्स आते ही आपका पॉलिनोमियल आ गया ना यार, है नहीं आएगा, ये लो आपका पॉलिनोमियल आ गया, तो खत्म। अगर आप टॉपर बच्चे बनना चाहते हो तो इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। लगा लिया p की वैल्यू, x की वैल्यू बेटा हम क्या डाल देंगे, अब किस में निकालनी है हमें, सिक्स पे निकालनी है, सिक्स वन बाय सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री प्लस सिक्स, सिक्सटीन आ गया आंसर, सिक्सटीन आंसर आ गया। ये है पैटर्न रिमाइंडर का क्वेश्चन। अब इसमें जो चीज ध्यान रखने वाली है, जितनी डिग्री दी होती है ना, क्या डिग्री दी हुई है, क्यूबिक, मतलब तीन डिग्री, उतना ही पैटर्न होता है, एक दो तीन, उतने पे ही पैटर्न दिया होगा और उसी के हिसाब से आपको लीनियर फैक्टर चूज करने हैं। वन टू और थ्री, यही आपके लीनियर फैक्टर्स आएंगे, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, समझे मेरी बात। ये चीज आपको जेई में भी काम आएगी, जेई एडवांस के अंदर भी बेसिक्स है ये चीज है, इस तरह से अज्यूम करना, इस तरह से दिमाग लगाना, ठीक है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये जरूर नोट लिखिएगा, पैटर्न
at n points will be given for n degree polynomial. N degree polynomial. छाप लो इसको, ठीक है? कितना शानदार क्वेश्चन है बेटा ये, है ना? बहुत इजीली. अब ये पता है, ये पैटर्न मैंने तो इजी दिया है, px equal to x. ये कभी पैटर्न कुछ भी आ सकता है. ये पैटर्न कभी कभी आपको गेस भी करना पड़ सकता है. जैसे ये n square आ गया, मतलब 1 पे 1 दे रखा है, 2 पे 4 दे रखा है, 3 पे 9 दे रखा है, तो आप इस x की जगह क्या लिख दोगे? x square. ठीक है, तो ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. वापस से बोल रहा हूँ, कॉपी पेन अगर अभी तक नहीं लाए हो ले आओ, छाप लो. ये मेथड सिंसियर बच्चों का है, आंसर आएगा, मगर लंबा मेथड है. ये है टॉपर बच्चों का मेथड. ये किसका है? टॉपर स्टूडेंट. किसका मेथड है बेटा ये? टॉपर स्टूडेंट. लाइट जलती है ना, ये है वो. ठीक है, चलो आगे बढ़े. अब एक क्वेश्चन और करें क्या? चलो एक क्वेश्चन और किया जाए. बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है? बोल रहा हूं मैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है. ठीक है, 2019 का मॉक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पे 2019. ठीक है, चलो लिखते हैं. लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2017 डिग्री का पॉलिनोमियल. क्या साल चल रहा है अभी? 2019. अभी आएगा 2019 में. ठीक है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2018 फाइंड पी 2019. अब देखो वापस से पैटर्न रिमाइंडर का क्वेश्चन है. ठीक है, अब यहां पे एक बहुत शानदार चीज मैं बताऊं आपको. वो शानदार चीज ये है कि अब जो सिंसियर बच्चे वाला मेथड है वो अप्लाई कर पाओगे क्या? अब 2017 वेरिएबल सॉल्व करने आते हैं क्या? नहीं आते ना हमें, तो मेरे को तो नहीं आते. अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पैटर्न रिमाइंडर वाला. सोचो मैं आपको एक ही मिनट दूंगा, मगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सोच सकते हो आराम से. थोड़ी देर में सॉल्यूशन बता दूंगा मैं, क्योंकि अब देखो चलिए इसको देखते हैं. कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी अभी हमने समझा है, हम भी टॉपर बच्चे हैं, हम इसको ऐसे लिख देंगे. ये पता है मेरी हर क्लास में बच्चे ऐसे लिखते हैं, सर 2017 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये लो 2017 तक लिख दिया हमने, प्लस 1 बाय एक्स लिख देंगे क्योंकि यही पैटर्न है, और फिर के की वैल्यू निकालने के लिए 2018 वाला यूज कर लेंगे. बताओ, अब मैं कह रहा हूं गलत है. क्यों?
अरे भाइयों, पॉलिनोमियल में एक्स डिनोमिनेटर में कभी आता है क्या? आता है? नहीं आता है तो ये लिखना गलत है। इसको स्टाइल से सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो स्टाइल बताता हूं मैं आपको। ये तो गलत हो गया। मैं क्या करता हूं, एक्स पी एक्स माइनस वन, ये एक पॉलिनोमियल मानता हूं। अब मैं कह सकता हूं कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स 2018 होगी। डिग्री ऑफ क्यू एक्स 2018 क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि हमने पी एक्स 2017 डिग्री का लिया है, उसमें एक्स मल्टीप्लाई किया है 2018 डिग्री, राइट? चलो अब मुझे एक चीज बताओ कि क्यू एक्स जीरो नहीं हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन से लेकर 2018 तक करके देख लो। मैंने चूज इस तरह से किया है, देखो x इक्वल टू वन पे वन आएगा वन माइनस वन जीरो, एक्स इक्वल टू टू पे वन बाई टू आएगा टू इंटू वन बाई टू वन, वन माइनस वन जीरो, ऐसे करके आप सब वेरीफाई कर सकते हो। इसका मतलब आपका, देखो अब ध्यान से, एक्स पी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस 2018 हो गया, राइट? अब देखो, अब आएगा मजा, अब पैटर्न मिल गया आपको, मिल गया ना पैटर्न। अब मैं क्या करूंगा देखना, मुझे इस के की वैल्यू चाहिए, मुझे इस पीएक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो मैं क्या करूंगा इस पीएक्स को उड़ाऊंगा। उड़ा कैसे सकता हूं मैं, अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं। देखो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते ही, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते ही क्या आ गया, माइनस वन इज इक्वल टू के इंटू 2018 फैक्टोरियल। 2018 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, एन फैक्ट 2018 फैक्टोरियल लिख रहा हूं मैं साइड में यहां पे, 2018 इंटू 2017, ये आपको पता होना चाहिए यार, है ना? क्योंकि अभी क्या है कि हम फुल ईयर कोर्स तो कर नहीं रहे, प्रीआरएमओ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में ये सब चीजें अज्यूम्ड है। तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस वन अपॉन 2018 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज आ गई। अब हमें क्या निकालना है भाई, पी 2019, पी 2019 क्या हो जाएगा मित्रों, 2019 डालो, ठीक है, 2019 इंटू 2019 माइनस वन इज इक्वल टू के, क्या है, माइनस वन अपॉन 2018 फैक्टोरियल। अब यहां पे आप 2019 डालोगे तो 2018 2017 ये 2018 फैक्टोरियल बन गया, वापस कट गया, कैंसिल, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, फिर तो कुल मिला के आपका पी 2019 जीरो आ गया। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 चल रहा है इसलिए 2019 बनाया मैंने इस क्वेश्चन, ठीक है, पी 2019 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं क्या बोलता हूं, लेजेंडरी क्वेश्चन, लेजेंडरी क्वेश्चन है ये, पुराना है मगर लेजेंडरी है, ठीक है, चलो छाप लो उसको। अब ये प्रॉब्लम्स ऑफ पैटर्न रिमाइंडर हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। छाप लो उसको बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम लोग करेंगे रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पॉलिनोमियल्स की जो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं और एलजेब्रा का आइडेंटिटीज हैं वो सब आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वो सब जब क्लियर होंगी तो बहुत ईजिली आप इस चीज को समझ पाएंगे।
रिडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब मैं बताता हूं पहले आपको, जैसे मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 2017 प्लस एक्स टू द पावर 2018 प्लस एक्स टू द पावर 2019। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे? इसमें मैं बस एक्स की पावर 2017 कॉमन लूंगा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ये जीरो हो गया। बेसिकली क्या है, हम डिग्रीज को रिड्यूस कर रहे हैं, ये देखो डिग्रीज रिड्यूस की मैंने, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसमें समझूं सेकंड पार्ट, उसको भी मैं सॉल्व एग्जांपल की तरह ही बताऊंगा आपको। मान लो एक्स की पावर 2017 प्लस एक्स की पावर 2019 प्लस एक्स की पावर 2021, ये पूछा है हमसे, राइट। अब ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, राइट। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे ये डिग्री कम करनी है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो दे रखा है। मैं इसमें क्या है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मुझे याद है, एक्स क्यूब माइनस वन। एक्स क्यूब माइनस वन के अंदर क्या होता है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। तो एक्स माइनस वन मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो क्या आ गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, एक्स क्यूब वन आ गया। इसका मतलब एक्स की पावर थ्री क्यूब वन आ गया, वेयर क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर का साइन है, बिलोंग्स टू है, क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये देखो 2016 है, प्लस वन के लिख सकता हूं मैं इसको, इसका मतलब ये तो एक्स बन जाएगा। सिमिलरली एक्स की पावर 2019, ये थ्री का मल्टीपल है, ये वन बन जाएगा, ये क्या है, एक्स की पावर 2019 प्लस टू, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अगेन क्या बन गया, ये वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यूजिंग समथिंग मैंने हाई डिग्री को लो डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसको रिडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल बोलते हैं। रिडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल मतलब हम डिग्रीज को जब रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, जीरो, राइट। इस एग्जांपल को लिख लो एक बार, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये आपने रिड्यूस कर दिया, इसका एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक तरह से सेमी लेजेंडरी क्वेश्चन है। फाइंड इफ एक्स इज इक्वल टू 2019, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स टू द पावर 2019 माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय ट्राई करो एक बार, इसका रिमाइंडर आपको निकालना है इसका।
मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टाइम कम दूंगा, आप चाहो तो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब देखो मैं इसको कैसे रिडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल से सॉल्व करता हूं। मुझे x की पावर x 2019 दे रखा है, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख सकता हूं। देखो 1 प्लस 2019 प्लस 2019 का स्क्वायर, मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, तो अगेन एक्स क्यूब इक्वल टू वन आ गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन आ गया। अब देखो मैंने x की पावर 2019 भी वन हो जाएगा, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स। अब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव आ गई। आप समझ रहे हो मैं नंबर्स का क्वेश्चन पॉलीनोमियल से सॉल्व कर रहा हूं यहां पे, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो। वन माइनस एक्स मतलब माइनस 2018 हुआ ये रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ये क्या किया मैंने अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं मैं, रिमाइंडर आ जाएगा आपका ये, क्या किया मैंने यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। देखो जब भी आप, जैसे मान लो आप 34 को डिवाइड करते हो 7 से, आप उसको ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू 4 प्लस 6, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको 7 इंटू 5 माइनस 1, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए किससे ऐड किया जाता है, डिवाइजर से, डिवाइजर से ऐड कर दिया, तो मेरा ये डिवाइजर था यहां पे 1 प्लस 2019 प्लस 2019 स्क्वायर, तो मैंने डिवाइजर से ऐड कर दिया, ये मेरा रिमाइंडर आ गया। आपको अगर याद हो नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर क्या आता है, डिवाइजर से छोटा आता है, पॉलीनोमियल के अंदर क्या आता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, राइट, वन टू वन रिलेशन है नंबर सिस्टम और एलजेब्रा के अंदर, इस सेंस के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया, ये भी एक बहुत ही अच्छा लेजेंडरी क्वेश्चन आ सकता है आराम से, रिडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल्स, ठीक है, इसे लिख लीजिए इसको। सॉल्व कीजिए इसको आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन रिडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल्स का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड्स ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कर पाते नहीं कर पाते। चलिए मैं आपको बस सोचने का थोड़ा सा कम ही टाइम दूंगा इस बार। अब मैं करता हूं इसको, देखो क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, मैं इसको रिड्यूस करूंगा, इसकी डिग्री एक्चुअली रिड्यूस करूंगा। देखो अगर एक्स स्क्वायर को मैं एक्स प्लस वन लिख सकता हूं, तो एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट, तो मैंने इसको जीरो मान लिया पहले और इसको ऐसे लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 1। अब मैं कर क्या रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा
कि जब हम लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उस लीनियर फैक्टर को जीरो करके उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस वन पुट कर रहे हैं इस होप में कि जो एंड में आएगा ना वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन से डिविजिबल होगा, है ना। अब इसको मैं करके बताऊंगा आपको, ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गए ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। सिमिलरली एक्स क्यूब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना, ऐसा हो सकता है कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, मैं भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया अब दोस्तों, टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या आ गया ए प्लस बी और कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स और वन, इससे ज्यादा फर्दर रिड्यूस नहीं करूंगा मैं बस सिंपली ये बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अच्छा अभी तो एक बार और रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस वन पुट करके, तो एक्स का कोफिशिएंट इवेंचुअली क्या आ जाएगा थ्री ए प्लस टू बी प्लस थ्री ए प्लस टू बी प्लस टू ए प्लस बी प्लस वन, ये आ गया दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूं आप समझ पा रहे हो क्या, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं एक्चुअली इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहा हूं इतनी देर से, और ये मेरा रिमाइंडर आ गया। मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड करता हूं तो लीनियर रिमाइंडर आता है, यही वो रिमाइंडर है ए और बी के टर्म्स में। ये मैंने अलग तरीके से किया है, आप चाहो ना तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करते हैं ना हम लोग जिसमें यहां पे पूरा लिखते हैं फिर यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन लिखते हैं, ऐसे करके पूरा डिवाइड करो, यही रिमाइंडर आए। अब ये रिमाइंडर जीरो आना चाहिए क्योंकि लिखा हुआ है, तो इसको जीरो कर देते हैं, थ्री ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो, टू ए प्लस बी माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें अपन, इंटू टू करो सब्ट्रैक्ट कर दो, ए ए फोर एस माइनस थ्री है, टू बी से टू बी कैंसिल, प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां टू आएगा, सॉरी ए की वैल्यू टू आ गई, ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है तो ए की वैल्यू माइनस टू आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस प्लस थ्री आ जाएगी, बी की वैल्यू प्लस थ्री आ जाएगी, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू आ गई आपकी, ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये भी रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कराऊं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो पॉज करके आप कर लीजिए। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन प्रॉब्लम्स, कोफिशिएंट कंपैरिजन की पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती है जो प्री आरएमओ के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, लिख रहा हूं मैं आपके लिए डायरेक्ट प्रॉब्लम। अगर पी एक्स एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन है, ठीक है, यह हमें दे रखा है। जी एक्स है एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। इफ पी एक्स एंड जी एक्स हैज अ कॉमन क्वाड्रेटिक फैक्टर, कॉमन क्वाड्रेटिक फैक्टर एंड px has another factor x square plus ax plus b, find a plus b, क्लासिक प्रीआरएमओ क्वेश्चन है ये, क्लासिक प्रीआरएमओ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको मैं ज्यादा आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, आप चाहो तो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बाकी मैं इसका मेथड डायरेक्टली बता रहा हूं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे इसका। अब देखो जी एक्स को मैं इजीली फैक्टराइज कर सकता हूं, जी एक्स क्या आ गया ये जी एक्स है,
इसका मतलब केवल यही लीनियर फैक्टर हो सकता है, यही क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है जो कॉमन है, ठीक है। तो इस फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के साथ, और मुझे क्या मिलना चाहिए फिर, x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, राइट। अब मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा। देखो x की पावर 4 तो मैच्ड है, राइट। x क्यूब का कोफिशिएंट यहां पे माइनस 5 दे रखा है, माइनस 5। यहां से मैं x क्यूब का कोफिशिएंट कैसे बनाऊंगा, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए, राइट। तो a की वैल्यू बेटा क्या आ गई, माइनस 4, ये डायरेक्टली आ गया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, b इंटू 1 कॉन्स्टेंट को कंपेयर करूंगा, b इंटू वन 1 है, b की वैल्यू 1 आ गई। तो a की वैल्यू माइनस 4, b की वैल्यू 1। कोफिशिएंट कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत बार, हमें पॉलिनोमियल इसी तरह से निकालना पड़ता है। प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। अब ये कोफिशिएंट कंपैरिजन की प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है। अब ये कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके लिए करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है, उसको मैं अलग मेथड से भी करवाऊंगा आपको, बट एल्जेब्रा आइडेंटिटी से रिलेटेड मैं ये एक क्वेश्चन लेना चाहता था। बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं इस चीज के, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 प्लस सी की पावर 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये पता है इसको किस तरह से लिखा जाता है, सिग्मा नोटेशन में इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं प्रोसीड करूंगा, सॉल्व एग्जांपल है, मैं आपके लिए प्रोसीड करने वाला हूं इस क्वेश्चन को। देखो a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो एक आइडेंटिटी मुझे याद है 3abc, राइट। इसको मैं सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखूंगा बेटा, राइट। अब देखो सिग्मा a का स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा a स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ab, सिग्मा ए बी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब सिग्मा ए स्क्वायर कितना आ गया बेटा, माइनस 2 सिग्मा ए बी, क्योंकि ये जीरो है, ये बेटा क्या है, जीरो है। अब देखना मैं जो कैलकुलेशन करने वाला, मुझे ये पता चल गया, ये पता चल गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सिग्मा ए क्यूब इंटू सिग्मा ए स्क्वायर करूंगा, क्या होगा ये, इनको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 6 टाइम्स ए बी सी इंटू सिग्मा ए बी, राइट। बट मैं इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देखता हूं, मतलब इन इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब ए की पावर 5 आएगा, अब देखना इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मल्टीप्लीकेशन। अगर ए की पावर 5 आएगा तो सिग्मा ए की पावर 5 भी आएगा, मतलब बी की पावर 5 भी आएगा, सी की पावर 5 भी आएगा, प्लस देखना बी स्क्वायर सी क्यूब तो सी स्क्वायर बी क्यूब भी आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, राइट। अब देखो ए प्लस बी को मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस सी, ए प्लस बी को मैं माइनस सी पुट कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ए टू द पावर 5 प्लस सिग्मा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इनफैक्ट क्योंकि माइनस कॉमन आ गया सी सी, तो ये क्या हो गया, सिग्मा ए की पावर 5, ए बी सी कॉमन आ गया इसमें से, माइनस ए बी सी सिग्मा ए बी, राइट। यहां पे माइनस 6 था, तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि सिग्मा ए टू द पावर 5 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 5 टाइम्स
एबीसी इंटू सिग्मा एबी। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, राइट। अब सिग्मा ए टू दी पावर 5 अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए क्यूब, क्या आ गया बेटा? ये देखो -5 अपॉन -6, और ये जो कॉमन फैक्टर्स है ना, एक कॉमन फैक्टर ये है एबीसी, एक सिग्मा एबी, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका 5/6। आंसर क्या आ गया इसका 5/6। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, खासकर ये जो कंडीशन होती है ना बेटा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, ये पहले नोट डाउन कर लो आप, प्लीज स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, इस कंडीशन पे है। अगर मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो है, तो इसका मतलब ए बी सी जीरो होता है। बहुत बार क्या होता है, इसके अंदर ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जीरो होता है, तो सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जीरो होगा और एबीसी रियल नंबर है, ये गिवन होना जरूरी है, एबीसी रियल नंबर है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी जीरो हो जाता है। अब देखो मैं इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दो क्वेश्चन लेता हूं मैं, इनफैक्ट एक मैं ये ले रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a माइनस 2b माइनस ab इज इक्वल टू जीरो, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू। सेकंड मैं ले रहा हूं, इफ a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड a माइनस 1 स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, फाइंड नंबर ऑफ ए बी, नंबर ऑफ पेयर्स, ए और बी के पेयर्स हम लोगों को निकालने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिलाता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है हाफ टाइम्स ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बेटा वो है, ये फुल ईयर कोर्स है नहीं, क्रैश कोर्स है, तो ये चीज मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो इसको यूज करते हुए मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2। एक तो ये हो गया, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसको एक साथ कॉपी कर लेना, ये क्वेश्चन समझ लो पहले, ए माइनस 1 का स्क्वायर बी माइनस 1 का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए और बी इंटीजर्स है तो ये इंटीजर्स का स्क्वायर होगा, तो 6 कैसे आता है, 114 या फिर 141 या फिर 411, मतलब ये 2 का स्क्वायर बने, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर बने, ठीक है, या फिर ये 1 का स्क्वायर बने, ये 2 का स्क्वायर बने, ये 1 का स्क्वायर बने। अब एक कंडीशन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये 3 केसेस है, ठीक है, मान लो मैं ये वाली कंडीशन सॉल्व करता हूं। अब a 1 है, a माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी, या तो 3 होगी, सॉरी a की वैल्यू या तो 2 होगी या 0 होगी, तभी 1 आएगा यहां पे। सिमिलरली b की वैल्यू भी 2 होगी 0 होगी, राइट, b की वैल्यू भी 2 और 0 होगी, देखो b माइनस 1 का स्क्वायर को मैं 1 बना रहा हूं, और a माइनस बी का स्क्वायर मुझे 4 चाहिए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब a इक्वल टू 2 जब होगा तो b 0 होगा, a इक्वल टू 0 होगा तो b 2 होगा। अब ये देखो मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पॉलीनोमियल और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हमारा जो एस्केप वेलोसिटी का टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रखा है, तो 30 क्वेश्चन आपको टॉपिक पे मिल जाएंगे। लिंक इसका जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें पेस्टेड है टेलीग्राम का, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सके। मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरे द्वारा सारे लेक्चर्स अटेंड कर लेंगे, मेरे सारे सॉल्व एग्जांपल समझ लेंगे और मेरे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, अगर ये 3 चीजें आप कर लेते हैं तो PRMO 2019 की जो फाइनल लिस्ट है उसमें से एक नाम आपका हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज डू फॉलो
और टेलीग्राम चैनल, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई भी डाउट है मुझसे पूछिए। थैंक यू। ठीक है, अब आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आगे प्लीज 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 मेरे सारे सेशन अटेंड करना, वरना कोई भी फायदा नहीं होगा। और प्लीज कॉपी पेन लेके बैठना। थैंक यू।